पिछली दफ़ा भी जब किसी तरह का दावा बोला गया तो हमारे उसमें भी जवान शहीद हुए, आज फिर हमें दोबारा से वो जनाजे पढ़ने पड़ रहे हैं। मैं सिर्फ जो हमने बड़ा क्लियरली तमाम आईजीस को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। उसके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी हुई है। इस टाइम पे पंजाब पुलिस का जो नुकसान हो चुका है अब तक, वो अभी आपको अजी साहब बताते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो नुकसान हुआ है वो अलहदा है, जो गाड़ियों की सूरत में है, जवान ज़ख्मी हैं उनकी सूरत में है, और जो पैसे लग रहे हैं वो खैर हम जिक्र करने वाली ऐसी चीज़ है कि जो कौम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो सब कुछ है जो मैटर करता है। आई साहब अगर बता दें कि आपके कितने लोग जो है वो। सर, पंजाब पुलिस 1700 से ज़्यादा शहदा और 2200 से ज़्यादा गाजियों की अमीन है। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायरा मिंजरीज हैं, और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और पंजाब पुलिस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 की नफरी के साथ यहाँ पे मौजूद है, और हम टोटल 2,10,000 से ज़्यादा की फ़ोर्स हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, कैपिटल को महफूज बनाने के लिए इंशाल्लाह महफूज हम अवेलेबल रहेंगे। गोली का जवाब, गोली देना बहुत आसान था, जो चीज़ें जो फैक्टर्स हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा था कि किस तरीके से हमारे जवानों पे, ये CPO हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शैल से दिया है ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के जवान 2 क्रिटिकल हैं इस टाइम पे, ज़ख्मी भी उनके दर्जनों में हैं, उनकी भी इसी तरह गाड़ियां ज़ख्मी, पता नहीं जो जो वहां पे नुकसान इस्लामाबाद शहर में वो कर सकते हैं उन्होंने किया है, लेकिन ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शहदा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। बहुत पिछली दफ़ा भी जब किसी तरह का दावा बोला गया तो हमारे उसमें भी जवान शहीद हुए, आज फिर हमें दोबारा से वो जनाजे पढ़ने पड़ रहे हैं। मैं सिर्फ जो हमने बड़ा क्लियरली तमाम आईजीस को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। उसके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी हुई है। इस टाइम पे पंजाब पुलिस का जो नुकसान हो चुका है अब तक, वो अभी आपको अजी साहब बताते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो नुकसान हुआ है वो अलहदा है, जो गाड़ियों की सूरत में है, जवान ज़ख्मी हैं उनकी सूरत में है, और जो पैसे लग रहे हैं वो खैर हम जिक्र करने वाली ऐसी चीज़ है कि जो कौम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो सब कुछ है जो मैटर करता है। आई साहब अगर बता दें कि आपके कितने लोग जो है वो। सर, पंजाब पुलिस 1700 से ज़्यादा शहदा और 2200 से ज़्यादा गाजियों की अमीन है। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायरा मिंजरीज हैं, और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, और पंजाब पुलिस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 की नफरी के साथ यहाँ पे मौजूद है, और हम टोटल 2,10,000 से ज़्यादा की फ़ोर्स हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, कैपिटल को महफूज बनाने के लिए इंशाल्लाह महफूज हम अवेलेबल रहेंगे। गोली का जवाब, गोली देना बहुत आसान था, जो चीज़ें जो फैक्टर्स हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा था कि किस तरीके से हमारे जवानों पे, ये CPO हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शैल से दिया है ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के जवान 2 क्रिटिकल हैं इस टाइम पे, ज़ख्मी भी उनके दर्जनों में हैं, उनकी भी इसी तरह गाड़ियां ज़ख्मी, पता नहीं जो जो वहां पे नुकसान इस्लामाबाद शहर में वो कर सकते हैं उन्होंने किया है, लेकिन
ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोदा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे।